नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 फरवरी 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। DLED स्कूटनी रिजल्ट की लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हमारे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट 2022 को लेकर क्या अपडेट आ रही है। फेल छात्रों के लिए बड़ी खबर को देखेंगे। और आपको दोस्तों बता दें कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक पूरी करानी होगी वार्षिक ग्रह परीक्षा। ये अपडेट दोस्तों कहां से आ रही है उस अपडेट को भी देखेंगे। और उसके बाद देखिए यूपी टेट रिजल्ट के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो एक एक करके दोस्तों आज की हम सारी अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यूपी टेट 2021 का पेपर हुआ था कि परिणाम के लिए करना होगा अभ्यर्थियों को इंतजार। ये दोस्तों बड़ी बात है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। और यहाँ पर आपको बता दें ये फेल छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। देखिए दोस्तों यूपी टेट का रिजल्ट जितना देरी से आएगा उतना ही फायदा फेल छात्रों को मिलेगा। देखिए अभी क्या है ना, जितने बच्चों की बैक लगी है अभी उन बच्चों का दोस्तों देखिए पहले हमारा ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर कराया जाएगा। तो ये 8 विषय का दोस्तों आपको पेपर देना पड़ेगा। अभी तक प्रमोट को लेकर कोई भी खबर नहीं है। तो भैया सोशल मीडिया की अफवाह से आप लोग सावधान रहिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग को प्रमोट नहीं किया गया तो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ये दोस्तों 8 विषय का पेपर देना है। बाकी अगर आप प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं 2021 बैच के, तो भैया आप लोग भी यहाँ पर 8 विषय देख सकते हैं, ठीक है। इन सभी 8 विषयों का आपको पेपर देना पड़ेगा। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा डेट शीट को। और देखिए अभी यूपी टेट की पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे, सीटेट रिजल्ट की अपडेट को आपके सामने रखेंगे। फिलहाल एक बात और बता दें, हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दिया जहाँ से आप लोग यूपी टेट की फाइनल आंसर की रिजल्ट और सीटेट का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कोरोना के केसेस की। 24 घंटे में हमारे देश में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए कोरोना के, 254 लोगों की जान भी गई है। एक और दोस्तों अपडेट आपके सामने रखेंगे कि भैया इस समय रूस और यूक्रेन में क्या विवाद चल रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा निंदा प्रस्ताव था, देख सकते हैं निंदा प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने की UNSC में किया वीटो का इस्तेमाल, भारत ने बनाई दूरी। जी हाँ दोस्तों, निंदा प्रस्ताव गिर जाता सिर्फ एक वोट से, मतलब रूस ने खुद भैया इसके विपक्ष में वोट कर दिया और किसका इस्तेमाल कर दिया, वीटो पावर का, तो सब खत्म हो जाता। तो देखिए आपको एक बात और बता दें, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, जो भी दोस्तों नाटो के देश थे ना उन्होंने कहा कि भैया आपका समर्थन देंगे यूक्रेन का, लेकिन जब सच में लड़ाई शुरू हो गई तो भैया सब दूर हो गए। अमेरिका, जी हाँ दोस्तों आपको लग रहा होगा कि सुपर पावर देश अमेरिका भैया यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए देखिए आपको संघर्ष खुद करना चाहिए, किसी के भरोसे मत रहिए। जितने बच्चों की बैक लगी थी प्रमोट के लिए सभी बच्चे सोचे यार कोई दूसरा कर ले संघर्ष, हम भी प्रमोट हो जाए। इसीलिए दोस्तों प्रमोट में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई। और आपको बताना चाहेंगे जब सेकेंड सेमेस्टर का बैक परीक्षा कराई गई थी उस समय अगर इनको प्रमोट नहीं करना था तो उसी के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लिया जा सकता था। अगर हम 2018 बैच की बात कर रहे हैं जब उन बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया था थर्ड सेमेस्टर में, तो दोस्तों उन बच्चों का तुरंत पेपर कराया भी गया था। ऐसा दोस्तों 2019 बैच के छात्रों के साथ ये बड़ा धोखा था। इसीलिए दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप दूसरों पर भरोसा करेंगे तो नुकसान सहना पड़ेगा जो कि यूक्रेन कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी इनके भैया पक्ष में नहीं आ रहा है क्योंकि इनको पता है कि भैया जो रूस के लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं ना, जो भी बोलेगा वो उनकी दिशा बदल जाएगी, उनके सीधे देश में घुस जाएंगे। तो ये पावर है रूस की, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं और यूपी टेट की अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। इस समय तो आजकल देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल तो हर जगह रूस और यूक्रेन का ही दिखाया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भैया पावरफुल देश क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले इस अपडेट को देखते हैं कि शासन ने सचिव परीक्षा निवक प्राधिकारी का प्रस्ताव कर दिया स्थगित। अब देखिए फेल छात्रों के लिए पर अच्छी बात क्या रहेगी, जितना ज़्यादा लेट से मतलब रिजल्ट आएगा। और देखिए अभी सीटेट का भी रिजल्ट नहीं है, अभी देखिए सीटेट का पेपर जुलाई में भी होता है, साल में 2 बार सीटेट का पेपर होता है। और इस बार उम्मीद है कि दोस्तों पेपर को ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। अभी ऑनलाइन माध्यम से पेपर कराएगा तो भैया रिजल्ट आने में कितनी दिक्कतें आ रही है, नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत अभी आपको देखने को मिलेगी जब कुछ बच्चों के नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ेंगे ये भी बात सही है, लेकिन जब नंबर कम होता है ना उसमें दुख होगा बच्चों को, बढ़ने पर तो भैया कोई उतना सुख हो या ना हो लेकिन दुखी बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले यूपी टेट की अपडेट आपके सामने रख दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम निर्धारित समय सारिणी पर नहीं जारी होगा, यह बात स्पष्ट हो गई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रस्ताव को शासन ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। ऐसे में हम उम्मीद है कि यूपी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद परिणाम जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी और फिर परिणाम जारी होगा।
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 यूपी टेट परीक्षा 28 नवंबर को पेपर आउट होने के चलते निरस्त कर दी गई थी। बाद में यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से आपत्ति ली गई। आपत्ति लेने के बाद समय सारिणी के अनुसार 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी जारी होनी थी और 25 फरवरी को परिणाम आना था, लेकिन इसी दौरान यूपी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी। इसके बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा गया। बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्थगित किए जाने की संस्तुति हुई। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मार्च के दूसरे सप्ताह तक कहाँ की बात हो रही है, ये अपडेट लखनऊ से। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद प्री बोर्ड आदि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इसी क्रम में प्री बोर्ड परीक्षाओं की लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षाओं को फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कराने के निर्देश दिए गए। वही दोस्तों, कक्षा 9 से लेकर 11वीं की वार्षिक गृह परीक्षाएं 2022 के दूसरे सप्ताह तक हर हाल में कराए जाने के भी निर्देश मिले हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि प्री बोर्ड की लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाओं के प्राप्तांक मार्च के दूसरे सप्ताह में और कक्षा 9 से लेकर 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांक मार्च के तीसरे सप्ताह तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरी अपडेट है। बाकी कोरोना के मामले कम है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इस बार जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट की उम्मीद थी वो बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी पूरी रखिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक और बात समझना है कि इस बार चलिए प्रमोट आप नहीं होंगे, लेकिन जब दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, हो सकता है उस समय कोरोना के मामले बढ़ गए, तब आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों किसी भी कीमत पर आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए। देखिए डीएलएड अगर आप कर रहे हैं, अगर आपकी बैक लग जाती है तो फिर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आती हैं। ठीक है ना, तो इस बात का दोस्तों विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरी अपडेट है, और उसके बाद जो भी अपडेट प्रमोट को लेकर आएगी वो भी देंगे आप तक, लेकिन अभी तक प्रमोट की कोई खबर नहीं है। इस समय दोस्तों अगर आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो भैया सिर्फ रूस और यूक्रेन की ही अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है। बाकी सीटेट का रिजल्ट हमारा ये है। देखिए गाइस, परीक्षा की तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, बाकी दुनिया में तो देख सकते हैं कि क्या क्या चल ही रहा है। ठीक है, तो पावर भी दोस्तों देखिए जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, और देखते हैं क्या क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कुछ समय के बाद कुछ और नई खबरें निकल कर आती हैं हर जगह दोस्तों, कुछ ना कुछ। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कभी भी दूसरे के भरोसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आज यूक्रेन ने यही सबसे बड़ी गलती की, इन्होंने सोचा कि भैया चलिए हमारे साथ अमेरिका नाटो देश तब आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है, जब लड़ाई शुरू हुई तो भैया सबने दूरी बना ली और बार बार बयान कर रहे हैं भैया हम नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसी बात को आपको समझना है कि अगर आपको कुछ करना है तो खुद के भरोसे करना, कभी किसी के भरोसे कोई काम मत करिए। ठीक है, अगर खुद के भरोसे करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। यूक्रेन हारने का सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो इनका यही है कि ये दूसरे के भरोसे मतलब लड़ाई शुरू किए। ठीक है, बाकी सभी ने साथ छोड़ दिया, नहीं तो ऐसे यूक्रेन अगर अपनी खुद की तैयारी करता। देखिए वैसे दोस्तों रशिया से जीतना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उनकी पावर क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो तैयारी यूक्रेन नहीं कर पाया और जंग में चले गए। लेकिन अब सिंपल सी बात है, आप देख रहे होंगे रोज अपडेट आ रही है, कितने धमाके, मतलब रूस अपनी पूरी पावर दिखा रहा है। सोचिए 10-10 मिनट में 50 धमाके हो जा रहे हैं यूक्रेन में, तो ये दोस्तों बड़ी बातें हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, डीएलएड की हर एक अपडेट आएगी। फिलहाल आपको बता दें स्कूटनी रिजल्ट भी दोस्तों अब मान के चलिए, देखिए जब डीएलएड मतलब आपका यूपी टेट का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो स्कूटनी का रिजल्ट कैसे आएगा, तो यहाँ पर भी समय लग सकता है। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जो भी अपडेट आएगी आपके सामने रखेंगे। डेट शीट को आप लोग ध्यान में रखकर पढ़ाई करिए। डीएलएड के छात्र ये गलती कर जाते हैं, जब मैथ का पेपर रहता है उसी दिन सामाजिक अध्ययन का, उसमें कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, तो इस बात को जरा ध्यान में रखकर पढ़ना है। काफ़ी बच्चों से गलती होती है, देखिए आप लोग से गलती अब नहीं होनी चाहिए, कम से कम जो बच्चे पहले पेपर दे सके हैं 2019 बैच के छात्र उनसे तो गलती ना हो। विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का जब पेपर एक ही दिन होता है, ये तीन पेपर, ठीक है, तो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे सामाजिक अध्ययन में लग जाते हैं, कुछ बच्चों का गणित का रिविजन नहीं हो पाता, और विज्ञान में भी कभी कभी बैक देखने को मिलती है। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और तैयारी देखिए आप लोग अच्छे से करिए परीक्षा की, और ज़्यादा समय अब आपको मिलेगा नहीं। काफ़ी बच्चों को लग रहा होगा कि 10 मार्च के बाद भी हमें समय मिलेगा, देखिए जैसे ही 10 मार्च
ठीक है, चुनाव के नतीजे आएंगे उसके तुरंत बाद परीक्षा के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हो सकता है 2-4 दिन के अंदर ही नई डेट शीट आपको मिल जाए। एक बात और, अब जब दोस्तों नई परीक्षा की तारीख आएगी तो ज़्यादा समय आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भरा जा चुका है। अब सीधे दोस्तों एडमिट कार्ड जारी होना, पेपर होना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस।